अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं गुलाम मोहम्मद और आप देख रहे हैं मीडिया। आज हम इस वीडियो में वो चीज़ें जिसको करने से रोज़ा टूट जाता है उनके बारे में सुनेंगे। तो पहली बात ये याद रखिए कि याद होने की सूरत में कि रोज़ा पता है, रोज़ा याद है, उस हालत में खाने पीने वगैरह से रोज़ा टूट जाएगा। गुटखा पान वगैरह इस तरह सिगरेट वगैरह खाने और पीने से भी रोज़ा टूट जाएगा। अगर अच्छा बंदा ये कहे कि हमने सिर्फ सिगरेट पी है और धुआं हालत तक नहीं पहुँचा बल्कि हमने बाहर निकाल लिया, फिर भी रोजे की हालत में दांत निकलवाया तो खून अगर निकला तो अगर वो खून हलक तक उतर गया तो फिर दोबारा रोज़ा रखना पड़ेगा। कुल्ली कर रहा था और पानी हलक से नीचे उतर गया, इसी तरह नाक में पानी चढ़ा रहा था और पानी दिमाग तक चढ़ गया तो भी रोजा टूट जाएगा अगर रोजा याद हो। हाँ, रोजा याद नहीं था तो रोजा नहीं टूटेगा। अगर किसी ने कोई चीज फेंकी और रोजेदार के मुंह में वो चीज चले गई और हलक से उतर गई तो भी रोजा टूट जाएगा। आंसू अगर रोजेदार के मुंह में चले जाए तो एक या दो कतरे हो तो कोई मसला नहीं, मगर ज्यादा हो के मुंह का जायका ही चेंज हो जाए और आंसू जैसा हो जाए तो रोजा जाता रहेगा, यही पसीने का हुक्म भी। अगर खुद ब खुद उल्टी आ जाए और वो कम हो या ज्यादा, उससे रोजा नहीं टूटता। ये थी आज की हमारी वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।